इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के डाटा को दो भागों में कैसे बांटा जाए। आप देखते हैं कि कंपनी का जब ऑडिट होता है तो कभी तो आप पूरे साल में ऑडिट कराते हैं, कभी आप कहते हैं नहीं आप 6 मंथ में अपना ऑडिट कर लो। ठीक है, अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो आप 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से कब तक जाएंगे आप भाई? अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर। ठीक है, 1 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद आप 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक दो बार ऑडिट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको डाटा स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने का क्या तरीका है? सिंपल, आप के पास जो ऑप्शन दिया गया है टैली में, ये वाला स्प्लिट कंपनी डाटा, आप इसको यूज कीजिए। आपने इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने स्प्लिट कंपनी डाटा को सिलेक्ट किया, एंटर किया। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी पूछेगा, तो कंपनी सिलेक्ट की मैंने, कौन सी, 3PM के नाम से मेरे पास एक कंपनी है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, एंटर। ठीक है, कब से करना है स्प्लिट? फ्रॉम 1 सितंबर नहीं, मुझे करना है 1 अक्टूबर से, तो मैं इसको अक्टूबर कर देता हूं, OCT। ठीक है, और एंटर करता हूं। तो एंटर करते ही आप देखेंगे कि मेरा डाटा स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये मेरा डाटा स्प्लिट हो गया, यहां पर आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, दो भागों में डाटा बट गया, अब आप इजी वे में ऑडिट करा सकते हैं। तो ये था कि कंपनी के डाटा को दो भागों में हम कैसे बांटें या स्प्लिट कैसे करें डाटा को।